बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को दिल्ली के सीएम हाउस में मारपीट के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को कब्जे में लिया और उसे अपने साथ ले गई। लगातार तीसरे दिन आज दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची। इसके बाद पुलिस ने सीएम हाउस से एक लैपटॉप और प्रिंटर मंगवाया था। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विभव कुमार फिलहाल 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। जब रिमांड पर है विभव से पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो एक बार दोबारा से आती है सीएम आवास के अंदर। उस वक्त अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं रहते, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की टीम अंदर होती है तभी केजरीवाल भी जो है अपने आम आदमी पार्टी में जो उनका प्रोग्राम था वहां से खत्म करके वापस आते हैं। और उसके बाद 2 बजे पुलिस की एक टीम निकलती है एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर और डीवीआर को जो है सीज करके अपने साथ यहां से लेके गई है। अब उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और अगर उसमें से कोई फुटेज डिलीट की गई है तो उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी और इसे डीवीआर के जरिए पूरी जो घटनाक्रम था पूरा जो उस 13 तारीख से लेके अभी तक का जितनी भी रिकॉर्डिंग जो है वो उस पे सेव होगी उसका एनालाइज जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी ताकि उसमें से सबूत के तौर पे कौन सी फुटेज को जो है वो पुलिस जो है वो अपने केस के तहत उसको एविडेंस बना सकती है। वही कुछ जो सीसीटीवी फुटेज है वो आम आदमी पार्टी द्वारा जो है जारी किए गए थे जो कि एडिटेड थे जिसमें स्वाति मालीवाल के बाहर निकलते हुए का ही फुटेज था, लेकिन स्वाति मालीवाल कब अंदर गई है वो फुटेज अभी तक सामने नहीं आया था। और अंदर क्या हुआ था, क्या मारपीट हुई थी, बदसलूकी हुई थी और जो एक वीडियो आया था जिसमें स्वाति मालीवाल सोफे पे बैठी हुई है सिक्योरिटी पर्सनल के साथ जो है वो बहस कर रही है, उससे पहले ये वो फुटेज 112 नंबर यानी कि पुलिस को पीसीआर कॉल करने के बाद का था, उससे पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी जो है इसी डीवीआर से मिल पाएगी, यानी काफी कुछ स्थिति साफ हो जाएगी।